हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री का एक अच्छा कंटेंट आपको मिले फॉर IIT JEE एंड नीट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। आइए देखिए, आज हम पढ़ेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल जिनके एनर्जी क्या हो, सेम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम डी सबशेल की बात करें, तो डी सबशेल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। इन डी सबशेल हाउ मेनी डीजनरेट ऑर्बिटल्स? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो हम क्या बोलेंगे इसको? 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे 5 फोल्ड, बिकॉज कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये आपका 5 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स होगा। जैसे F को अगर हम देखें तो F सबशेल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 होते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 1 more 7। ओके, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो F सबशेल है कितना फोल्ड हो गया? 7 फोल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह से हम यहां पर इसको बोलेंगे। बट अगर यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो ये जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब अभी तो सभी पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स बराबर एनर्जी पे हैं। या फिर F सबशेल को देख लेते हैं, अभी 7 ऑर्बिटल्स डीजनरेट हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपनी डीजनरेसी को लूज कर देते हैं, और उनकी डीजनरेसी लूज होने के बाद में हम उनको बोलेंगे नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो चलिए लिखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीजनरेसी क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ऑर्बिटल्स सो ऑब्टेन आर कॉल्ड नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जो हमको ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि डी सबशेल, नाउ डी सबशेल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। अब अगर हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो ये कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 में से लेट से 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया, तो ये यहां पर क्या हो गया? स्प्लिटिंग हो गया। तो स्प्लिटिंग हो गया इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स का, और अब जो आपको मिल रहा है इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहां पर याद रखना है हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ एन इज सेम
है ना। तो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, मतलब हाइड्रोजन के लिए सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एन आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर एज इन अदर स्पीशीज। नाउ हाइड्रोजन का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, तो जिनका एन वैल्यू सेम है बट इन अदर स्पीशीज, दैट इज इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमिथल क्वांटम नंबर, मतलब एन और एल ये दोनों क्या होगा, सेम, तब यहां पर हम उनको क्या बोल देंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ये 3D, तो 3D में ओके कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं यहां पे 3D में, पांच। अब देखो इन सभी के लिए n और l का वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, सेम है। देखो सभी के लिए n का वैल्यू कितना है, 3, और l का वैल्यू कितना है, तो देख सकते हो इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए n और l वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में अगर मैं कहूं सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में क्या क्या होता है, 2s एंड 2p, तो 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के तीन ऑर्बिटल्स। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए मैंने क्या बोला था कि उनका डीजनरेसी या डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनका n वैल्यू सेम है। अब देखो यहां पर n वैल्यू क्या है, 2, 2, 2, 2, तो यहां पर ये सभी क्या होंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो सेकेंड शेल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 4 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं यहां पे। सेकेंड शेल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 4 हैं। बट दिस इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, ये वैलिड होगा फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ओके, सो आई होप आपको डीजनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको ये क्लियर। प्लीज सब्सक्राइब फॉर गुड कंटेंट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।